हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। आज का वीडियो भी आप पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को देखेंगे तो आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत सारा बदलाव कर पाएंगे। यदि कहीं पर भी कमी घटी है, उस जगह पर आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा अच्छे चीज़ों को ला पाएंगे, बदलाव कर पाएंगे, पवित्र जीवन जी पाएंगे। इसीलिए पूरा वीडियो देख लें। वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इसीलिए वीडियो का पूरा देखें, थोड़ा थोड़ा आगे करके ना देखें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए। और आप सबसे अनुरोध है, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़्यादा मसीह लोगों के लिए ज़रूरी काम क्या है? आज के समय में सबसे ज़्यादा मसीह लोगों के लिए ज़रूरी काम है कि वो अपने आत्मिक जीवन को देखे, परखे, अपने जीवन को देखे कि वो वचन के अनुसार है या नहीं। क्योंकि बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और सबसे उत्तम काम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, लोगों को सुसमाचार सुनाना, यीशु मसीह के बारे में बताना और उनका उद्धार करना, और साथ ही साथ हमें भी उद्धार में बने रहना, ये सब कुछ एक मसीह व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में अधिकतर मसीही लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, वे सारे लोग अंधकार में जी रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने उद्धार पा लिया। आपको शायद लग रहा होगा आपका उद्धार हो चुका है, लेकिन मेरे प्रियो, एक बार आपके जीवन को खुद परखने की ज़रूरत है। आप बाइबल के अनुसार अपने जीवनों को परखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी अंधकार में जी रहे हैं, बुराइयों में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं। उनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, उनको लगता है उनका उद्धार हो चुका है, लेकिन सच्चाई क्या है? केवल यीशु मसीह को जान लेने से आपका उद्धार नहीं होता, उसको ग्रहण करना होगा, उसके अनुसार जीवन जीना होगा, उसके वचन को मानना होगा, तभी आपका उद्धार सफल होता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? दुष्ट आत्माओं की संगति कर रहे हैं, यानी कि बुराइयों में जीवन जी रहे हैं। ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर मसीहों का जाना बैन है, मना है, नहीं जाना चाहिए। ऐसी संगतियों में बैठते हैं जहां मसीहों को नहीं बैठना चाहिए। बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ हो रहा है, और अपने आप को मसीह कहते हैं। मेरे प्रियो, जरूरी है कि ऐसे समय में आप अपने आप को परखें, अपने जीवन को परखें, परमेश्वर के वचन से देखें। अगर हम नीति वचन को पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय पर उसको 19 आयत कहता है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। मेरे प्रियो, अगर आज भी आपके जीवन में दुष्टता है, आज भी अगर आप बुराइयों में रहते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत सोचते हैं, दुष्ट चीज़ें अपने मन में लाते हैं, गलत चीज़ अपने मन में विचार करते हैं, दूसरों की बुराई के लिए, दूसरों की नुकसान के लिए बातें सोचते हैं, तो आज आप दुष्ट हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे दुष्ट लोगों का मार्ग क्या है? अंधकार में है। वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, वो उजियाले में नहीं जा सकता। उसका जगह अथाह कुंड, यानी कि वो अंधकार जहाँ पर शैतान डाला जाएगा, वहाँ आपको रहना होगा अगर आपके जीवन में आज भी दुष्टता है। और यदि आज पवित्र जीवन आप जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो अनंत काल का जो रोशनी है, स्वर्ग है, वो आपके लिए। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु कहते हैं ऐसे लोग नहीं जान रहे वो किससे ठोकर खा रहे हैं। आप ठोकर खा रहे हैं अपने दुष्टता से, आप ठोकर खा रहे हैं शैतान के चाल से। मेरे प्रियो, आज वचन आपको साफ रीति से कह रहा है, इन चीज़ों को छोड़ दो, दुष्टता को छोड़ दो, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आ रहा है और दुष्ट लोगों को लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि दुष्ट लोगों का जो मार्ग है वो अंधकार की ओर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, वो आपसे कह रहा है कि मेरी बातों को मानो। परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि उनकी बातों को सुनो, उसके अनुसार जीवन जियो। अगर हम उसके 20 आयत को पढ़ते, लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर, है मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज ये वचन सुनने वाले लोगों, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि परमेश्वर के वचन की ओर अपने कान को लगाए, सांसारिक बातों में कान ना लगाए। हॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के गाने, इधर के गाने, उधर के गाने, डबल मीनिंग्स वाले गाने, इन सब की ओर आपका कान लगा हुआ है क्या? आप किसकी ओर कान लगाते हैं? जो आपके कानों की खुजली के अनुसार बातें सुनाते उनकी ओर कान लगा रहे हैं, या यहोवा परमेश्वर के वचन सुनाने वाले की ओर कान लगा रहे हैं, या बाइबल आपको क्या कहती है उसकी ओर अपना कान लगा रहे हैं? ये देखना होगा आज आपको। प्रभु आपसे कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन
ध्यान से सुनिए, वचन सिर्फ सुनकर चले जाना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आज जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसलिए मत देखिए कि यूट्यूब पे कुछ नया आ रहा है, नहीं, यूट्यूब पे जो भी आ रहा है या जो वचन आज को बोला जा रहा है, इस समय बाइबल खोलिए और वचन को इस समय मेरे साथ मिलकर पढ़िए और वचन से देखिए जो बातें मैं आपको कह रहा हूं क्या वो वचन में है या नहीं है, ये परखना होगा और इसको ध्यान धरकर आपको सुनना होगा, तभी आप इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। आज लोग नाश क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि वो वचन सुनते जरूर हैं लेकिन वचन का मनन नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आज प्रभु आप सबसे यही कह रहा है कि मैं अपने ध्यान को मेरे वचन की ओर लेकर आ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, अगर तू उस समय वचन में नहीं मिला तो मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। शीघ्र यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और वे सब लोग यहाँ रह जाएंगे जो वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई व्यक्ति जाए, प्रभु कभी नहीं चाहता। और परमेश्वर कहता है यहाँ पर 21 आयत कह रहा है, इनको अपनी आँख की ओट ना होने दे। किसको? परमेश्वर के वचन को। इनको अपनी आँख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा बाइबल के वचनों को, उसको अपनी आंखों में बसा कर रखना होगा। एक बार पढ़कर भूल जाने वाली बात नहीं, अपने मन में रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय के अंदर की बातों को जांचता है, आपके हृदय को देखता है। अगर उसमें संसारिक बातें पड़ी हुई हैं, वचन नहीं है, तो कहां आपके हृदय परमेश्वर के लायक बन पाया अभी तक। सिर्फ बाइबल पढ़कर ही चले जाते हैं कि आपका जीवन ऐसा ही है। आप सुबह शाम बाइबल जरूर पढ़ रहे हैं, आप चर्च जरूर जाते हैं, लेकिन क्या आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है? इसीलिए प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं इनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अपनी आंखों से ओट नहीं होने देना, दूर नहीं होने देना है, वरन अपने मन में धारण करना है। आपको मालूम है जब परीक्षाएं होती हैं, शैतान किसी की परीक्षा लेता है, अगर उसके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके मन में अगर परमेश्वर के वचन को उसने धारण नहीं किया तो वो कभी भी शैतान को नहीं हरा सकता। हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तब यीशु मसीह ने शैतान को वचन से हराया था, क्योंकि यीशु में वचन था। क्या आप में वचन है? क्या आपके हृदय में वचन है? प्रभु चाहता है कि आपके हृदय में वचन रहना चाहिए। आप एक नामधारी विश्वासी बनकर ना जिए, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया बनकर जिए, इसी के लिए आप चुने गए हैं। आप एक नामधारी बनने के लिए नहीं चुने गए, जैसा संसार आज बनकर घूम रहा है, सब मसीह बनकर घूम रहे, कोई भी यीशु मसीह का चेला बनना नहीं चाहता। हालेलुया। आप देखिए, क्या आप चेला बनना चाहते हैं कि नहीं, या आप चेला हैं या नहीं है, यह आपको देखना होगा। 22 आयत कहता है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। परमेश्वर का वचन जिनको प्राप्त होता है ना, उनके जिंदा रहने का कारण है। अगर आपको अनंत अनंत काल के लिए जीवित रहना है, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, तो वचन आपके जीवन में होना चाहिए। और जिनको ये वचन मिल जाता वो धन्य है। अगर आज आप ये वचन सुन रहे हैं, आप धन्य हैं, लेकिन धन्य तब हैं जब आप इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जिएंगे और इसको ग्रहण करके रखेंगे। यही आपको जीवित रखेगा और अनंत काल के स्वर्ग में ले जाएगा, और आपके शरीर को जो पृथ्वी पर भी रहते हैं उसको भी चंगा करने का कारण यही वचन है। मेरे प्रियो, तेल पानी और कपड़े में चंगाई नहीं है, चंगाई है परमेश्वर के वचन में, चंगाई है प्रभु यीशु मसीह के लहू में। इसीलिए उस पर विश्वास करो, तेल पानी कपड़े पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, वचन साफ साफ कहता है जिसे ये प्राप्त होता है उसके जीवित रहने का कारण भी है और उसके शरीर के चंगे रहने का भी कारण यही है। हालेलुया। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? इस संसार के चिन्ह और चमत्कार के पीछे या यीशु मसीह के वचन के पीछे? क्योंकि यीशु ने कहा है कि मेरे वचन को तुम थामे रहो और मैं तुम्हें लेने वापस आने वाला हूं। मेरे प्रियो, आज आप किसको फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को या संसार की बातों को? आज आपको जांचना होगा। इन वीडियो को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, सबको बहुत मजा आता है देखकर कि कितनी अच्छी बातें बोली, लेकिन क्या इनको सिर्फ अपने कानों से सुनने के लिए आप देखते हैं या अपने जीवन में इसको लागू करते हैं? अगर आप अपने जीवन में इसको लागू नहीं करते, इस वीडियो को देखना, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, सब कुछ आपके लिए खराब है, सब व्यर्थ हो जाएगा अगर आपके जीवन में यह वचन काम नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से परखें, अपने आप को देखें, कहां हैं आप? अगर आप परमेश्वर के वचन में हैं तो प्रभु कहता है अनंत काल का स्वर्ग तेरा है। अगर वचन आपके हृदय में है तो आप शैतान को हरा सकते हो। अगर वचन सिर्फ पढ़ते हो तो आप शैतान को नहीं हरा पाओगे, उसको अपने मन में धारण करना होगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। उसके आने से पहले अपने आप को तैयार करो, परखो अपने आप को, पवित्र जीवन जियो यीशु मसीह के नाम में।